बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आज मैं कुछ ये जो ऑरेंजेस पड़े हैं, बेचारे इनको कोई खा नहीं रहा और ये देखें ख़राब भी होने लगे हैं। इससे पहले कि ये सब डस्टबिन की नज़र हो जाए, तो हम इसका कुछ आज बनाते हैं। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी, जो भी रेसिपी दूंगी या जो भी कुछ इसके साथ करूंगी, आपके साथ सब शेयर करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो जनाब शुरू करते हैं हम अपना प्रोसेस। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इनको कट कर लिया है और अब मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। और जूस निकाल रही हूँ तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैं इसका जूस बना रही हूँ? जी नहीं, आगे आगे देखिए कि होता है क्या, मैं क्या बनाती हूँ इसका। और ये इनको बहुत शौक है, बहुत शौक है इनको जूस निकालने का। चलो ओके जनाब, तो फिर जूस निकाल के फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पर हमारे पास जूस आ चुका है और अब जो है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये छिलके बचे ना, तो इनको आप ऐसे ही नहीं समझिएगा ये कोई बेकार सी चीज़ है। ये बेकार सी चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये तो है हुसन का खजाना। तो इसको हम ये पूरा साफ करेंगे और फिर इसको हम सुखाएंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने स्किन के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं फेंकने जूस, और जूस को पीना नहीं है, इसका हम कुछ और बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम जलाते हैं स्टोव और उसको थोड़ा सा हम आँच को हल्का रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम। और ये आधा कप शुगर है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बारीक कर लिया, पीस लिया है, वो डालेंगे हम इसमें। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। तो देखते हैं अगर इसी में काम बन गया तो सही है, नहीं तो फिर और डाल लेंगे थोड़ा सा। तो इसको हमने मेल्ट करना है अच्छा सा। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डाल के मेल्ट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज जूस। और यह है तकरीबन 300 ml के बराबर। तो इसको भी हम अच्छा सा यानी चलाते जाएंगे इसमें, और हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फूड कलर डालेंगे, नहीं तो बस हम इसी को। और देखिए अच्छा ऑरेंज कलर तो अच्छा आया है इसमें, लेकिन अगर आखिर में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा कलर भी डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि कोई मोल्ड नहीं है और जो भी है वो आइस क्यूब हैं, तो बहुत आइस ट्रे वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने यहाँ टैबलेट का वो खाली करके उसको अच्छा सा धो लिया था और अब मैं इसमें ही यानी इनको एज ए मोल्ड यूज़ करूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा जर्दी का रंग डालूंगी और इसको खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ये हाजमोला टैबलेट्स जो होती हैं, और ये अमरूद के मेरे पास जायके की है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, थोड़ी सी सादी बनाऊंगी मीठी और थोड़ी सी ऐसे हाजमोला डाल के खट्टी मीठी बनाऊंगी। तो बस जैसे जैसे करती जाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जब यहाँ पर ये जो झाग आ रहा है इसको भी मैं उतारती जा रही हूँ साथ साथ। तो और बस ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा है कि इसमें फूड कलर डालने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं हल्का सा कलर डालूंगी, हल्का सा मैंने इसमें जो जर्दे का रंग होता है ऑरेंज फूड कलर वो डाला है मैंने इसमें। यहाँ पर ये मैंने पानी रखा हुआ है ताकि मैं इसको देख लूँ जब ये थिक हो जाए। तो अभी तो जब तक इसमें ये बबल्स आ रहे हैं तो हमें इसको पकाना है, बबल ख़त्म होंगे तो फिर हमारा ये हो जाएगा और फिर मैं इसमें डाल के इसको चेक कर लूंगी कि ये बन गया कि नहीं बन रहा। अच्छा जी,
अब मैं इसको इस पे डाल के देखती हूँ। बस इसको थोड़ा सा चलाते हैं हम और इसको मोल्ड में डालते हैं। फिर देखेंगे ऐसा बना है। स्टोव मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम मोल्ड में डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में ये बहुत छोटे छोटे जी, मैं इसको थोड़े थोड़े से मैं गोल गोल बनाने की कोशिश करती हूँ। एक जैसे नहीं बन रहे हैं। गैर हाज मुला के भी बनाते हैं। यह सब मैंने मोल्ड बना के रख दिए हैं। आप ये थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख के इसको ठंडा करते हैं। फिर मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने रखे थे और ये जब कोल्ड हो गए अच्छे से तो फिर मैं इसको अब निकाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह इसमें से आवाज़ भी बड़ी अच्छी निकल रही है। अच्छे ये सख्त हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने इसको कोट कर दिया है। थोड़ा सा शुगर को यानी पीस लिया था मैंने, तो उसके साथ शुगर के साथ इसको मैं कोट कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी चिपक आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे कर दूंगी तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और यहाँ पर इनको मैंने फिर रैपर में लपेट दिया है, रैप कर दिया है इन सबको। और जो ऑरेंज रैपिंग पेपर में जो है मैंने मीठी वाली जो सिर्फ ऑरेंज की हैं वो ही डाली हैं, और जो ग्रीन वाले पेपर में मैंने जिसमें मैंने हाजमोला कैंडी डाली थी तो उसमें की यानी ये वो वाली हैं। और इनको मैंने रैपर में इसलिए भी कर दिया है कि एक तो ये ज़ाहिर है एक दिन में तो कोई नहीं खा सकता ना, तो सेफ भी रहेंगी। और अगर मैं किसी बॉटल में या उसमें रखूँगी, अगर बग़ैर रैप किए हुए रखती तो फिर ये हो सकता है आपस में जुड़ जाती ये कुछ होता। तो क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा बनाई है तो इसलिए फिर मैंने इनको रैप करके रखा है। और देखने में भी ये अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। और डिश भी देखें मेरी कैंडी की ही स्टाइल की है डिश भी, तो कैंडीज रखी हैं कैंडी के अंदर।
तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Thank you.